चुनाव अगर हमने इनको नहीं हराया तो मैं बता रहा हूं कि मोदी का फर्स्ट सलाह तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरिया जी, आप जो बार बार पार्टी बदल रहे हो, यदि आप में सच्चाई है, चाहता हूं ये जनता की अदालत है, ये किसानों की अदालत है, ये हमारी मां बहनों की अदालत है, भारतीय जनता पार्टी वो भट्टी है। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल्लख रहमानी। राजस्थान के सियासत में मंत्री गोविंद राम के एक बयान को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल राजेंद्र राठौर को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर बीजेपी आग बबूला है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर पर जिस ढंग से गोविंद राम ने निशाना साधा और ये कहा कि जिस समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी उस समय राजेंद्र राठौर की स्थिति क्या थी, ये किसी से छिपे नहीं है। इस ढंग से वो अपनी बातों को जनसभा में कह रहे थे, लेकिन कहते कहते वो ऐसी बातें भी कह गए जो नहीं कहनी चाहिए, जिसको लेकर अब राजस्थान की सियासत में बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं उनसे माफी की मांग कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। और साथ ही सबसे पहले आपको ये बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचता हुआ नजर। यदि डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो फिर आपकी हमारी कोई पूछ नहीं होगी, और यदि आपने 23 राजस्थान का चुनाव और 24 मोदी का चुनाव अगर हमने इनको नहीं हराया तो मैं बता रहा हूं कि मोदी का फर्स्ट सलाह तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरिया जी, आप जो बार बार पार्टी बदल रहे हो, यदि आप में सच्चाई है, और ये जो राजेंद्र राठौड़ के कहने से गए हो, ये राजेंद्र राठौड़ कल तक वसुंधरा के तलवे चाटता था और आज ये वसुंधरा के खिलाफ मुख्यमंत्री का दावेदार बना हुआ है, इसलिए आप इसके बहकाव में आके गए हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जनता की अदालत है, ये किसानों की अदालत है, ये हमारी मां बहनों की अदालत है, भारतीय जनता पार्टी वो भट्टी है। जो नेता इसमें जाएगा वो भस्म हो जाएगा, उसका पता नहीं लगेगा। तो आपने सुना दर्शकों, विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके का बयान देना और इस बयान को लेकर जिस ढंग से राजनीति हो रही है, ये कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के।